हमारे देश में पाखंड की प्रकाष्ठा इतनी नीच और गिरी भी हो गई है कि दो कौड़ी के पाखंडी खुद को महाज्ञानी और वैज्ञानिकों को बेवकूफ बता रहे हैं। साइंस इम्परफेक्ट है और शास्त्र परफेक्ट है। क्या बोला तूने? साइंस इम्परफेक्ट है और शास्त्र परफेक्ट है। गुजरने दिया वैज्ञानिकों दलितों को 20 फुट पुल के नीचे शव को रस्सी में लटका कर ले जाना पड़ा। लोग आगरा में एक दलित महिला के शव को चीता से उठाकर फेंक दिया है। इन जैसे पाखंडी देश को बर्बाद कर रखे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में पाखंड की अखंड चूतियापा चल रही है। जी हाँ, हमारे देश में पाखंड की प्रकाष्ठा इतनी नीच और गिरी भी हो गई है कि दो कौड़ी के पाखंडी खुद को महाज्ञानी और वैज्ञानिकों को बेवकूफ बता रहे हैं। जैसे इस वीडियो को देख लो, ये सुनिए। ये जानते हैं ना क्या है मम्मी, दुनिया भर की साइंस ये बता सकती है कि ये मेल था या फीमेल थी। डीएनए बता सकती है इसकी उम्र क्या थी। नहीं बता सकती दुनिया भर की साइंस कि इस मरने वाले इंसान का धर्म क्या था, संप्रदाय क्या था, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस वीडियो में पहला शख्स कह रहा है कि साइंस किसी भी कंकाल के जीवाश्म को यानी हड्डी को देख कर यह बता सकता है कि यह जानवर की है या फिर इंसान की। अगर इंसान की है तो यह मेल था या फीमेल था, इसके मरने का कारण बता सकता है, इसकी उम्र बता सकता है, लेकिन इसकी जाति, इसका धर्म, इसका मजहब, इसकी संप्रदाय नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि यह वास्तविक नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये तिलकधारी महाराज कह रहे हैं, ठीक है तो बताइए कि साइंस ये बता सकती थी इसे खाने में क्या पसंद था, इसे कौन सी गाड़ी पसंद थी, ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम किसे करता था, तो इसकी पसंद नापसंद, सुख दुख, क्योंकि ये सब उसकी आत्मा ने अनुभव किया है और साइंस तो आत्मा के लेवल तक पहुंची ही नहीं है। साइंस बता ही नहीं सकती कि जब ये व्यक्ति जिंदा था तो ये क्या सोचता था, इसे क्या पसंद था, ये क्या करना चाहता था। इसका मतलब साइंस इम्परफेक्ट है और शास्त्र परफेक्ट है। क्या बोला तूने? साइंस इम्परफेक्ट है और शास्त्र परफेक्ट है। वैज्ञानिक उसकी नापसंद पसंद भी नहीं बता सकता कि वो किस गाड़ी में घूमता था, उसकी सोच क्या थी, उसकी इच्छा क्या थी, वो किससे प्रेम करता था, उसकी आस्था किस में थी, नहीं बता पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा से जुड़ा हुआ है, इसलिए नहीं बता पा रहा है। इसलिए साइंस परफेक्ट नहीं है, शास्त्र परफेक्ट है। साइंस इम्परफेक्ट है और शास्त्र परफेक्ट है। तो मैं इन महाराज से हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि महाराज जी, आप अपने सबसे बड़े शास्त्री को लेकर आओ, जो पूरा शास्त्र पढ़ा हो उसको लेकर आओ, और उसके सामने मैं एक चीज रखूंगा, इतना बड़ा जीवाश्म यानी हड्डी रखूंगा, और उससे पूछूंगा कि महाराज ये बताओ कि यह जानवर की है या इंसान की है। अगर इंसान की है तो ये मेल था या फीमेल था, इसके मरने का कारण बताओ, इसकी उम्र बताओ, इसकी जाति बताओ, इसकी धर्म बताओ, इसकी सोच बताओ, इसकी आस्था बताओ, इसकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, अगर हुई थी तो इसकी बीवी क्या नाम था, इसके माँ बाप का क्या नाम था, इसके दादा क्या नाम था, ये कहाँ कहाँ घूमता था, यह क्या क्या खाता था। अगर बता दिए तो मैं दंडवत प्रणाम करूंगा और कहूंगा कि शास्त्र परफेक्ट है, मैं धर्म का गुलाम हो जाऊंगा। अगर नहीं बता पाया तो वही जूता मारूंगा। खैर, इसने एक बात और बोली थी कि इंसान का धर्म, आस्था और इच्छा आत्मा से जुड़ा होता है और मरने के बाद सब आत्मा के साथ चला जाता है। आपका सारा कर्म और धर्म आत्मा के साथ चला जाता है। अच्छा, सच्ची में? यदि इंसान का धर्म, आस्था और इच्छा आत्मा से जुड़ा होता है और मरने के बाद सब आत्मा के साथ चला जाता है, तो तुम्हारे ही धर्म को मानने वाले जिन्हें तुमने उच्च जाति का बना रखा है, वह तमिलनाडु में एक दलित के शव को अपने इलाके के रास्ते से क्यों नहीं गुजरने दिया? क्यों दलितों को 20 फुट पुल के नीचे शव को रस्सी में लटका कर ले जाना पड़ा? तुम्हारे ही धर्म को मानने वाले विशेष जाति के लोग आगरा में एक दलित महिला के शव को चीता से उठाकर फेंक दिया, यह कहते हुए कि हाँ, सिर्फ हमारे जाति के लोगों का दाह संस्कार होता है, तुम्हारे जाति के लोगों का नहीं होगा। दरअसल इन लोगों ने जाति, धर्म और आस्था का जहर ना केवल इंसान के बाहरी आवरण तक बल्कि आत्मा तक घुसेड़ रखा है, जो मरने के बाद नहीं जाता, यह असलियत है। दरअसल ये लोग साइंस का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जमाना बदल चुका है, इनको डर है कि यदि लोग साइंस में विश्वास करने लगेंगे तो फिर हमारी आस्था को भूल जाएंगे, हमारे धर्म को भूल जाएंगे, जो हमने जाति का जहर बो रखा है उसको भूल जाएंगे, लोग एक हो जाएंगे, तो फिर हमारा धर्म के नाम पर धंधा कैसे चलेगा? क्योंकि इन लोगों ने जो धर्म की जाल बिछा रखी है और इसमें जो लोगों को फंसा रखे हैं, और जो लोग फंसे हैं वही लोग इनका पेट भरते हैं, इन्हें खाना देते हैं, धर्म के नाम पर इन्हें दौलत देते हैं, पैसा देते हैं, स्वर्ग देते हैं, इज्जत देते हैं। इन जैसे पाखंडी देश को बर्बाद कर रखे हैं।
इन्हीं लोगों के वजह से देश के 35 करोड़ जनसंख्या आज भी भूखे सो जाती है। हंगरी इंडेक्स सर्वे में हमारा देश 100 लिस्ट से भी बाहर है। खैर, देश की पूरी सरकार मिलकर देश के भूखे लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं दे पा रही है, देश की सच्चाई है। लेकिन ये लोग 75 रंग का पकवान खा रहे हैं, ये सब मिल रहा है जाति और धर्म के आधार पर। ये सुविधा कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए लोग साइंस का विरोध करते रहते हैं।